हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे प्रेस्टीज के इंडक्शन का। अगर आप भी कम प्राइस में एक अच्छा इंडक्शन लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रेस्टीज का ये इंडक्शन मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने जब ये मंगवाया था तब मुझे ये 2200 में मिला था। तो चलो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए, खोलने के बाद कुछ इस तरह से ये आया है। इसमें मुझे ये वारंटी कार्ड मिला है, इसमें सब लिखा हुआ है कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। इस इंडक्शन को बाहर निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये इंडक्शन बहुत लाइट वेट है तो इसे आप इजीली अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो। इस इंडक्शन में आपको 1900 वॉट का पावर मिलता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रेस्टीज ब्रांड का मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और ये है इसका कंट्रोल पैनल। यहाँ आपको पावर और टेम्परेचर का इंडिकेटर मिल जाता है। अगर पावर और टेम्परेचर को हमें कम करना है तो यहाँ पर माइनस बटन दिया हुआ है और इसे अगर हमें ज़्यादा करना है तो प्लस बटन दिया हुआ है। और ये है टाइमर बटन, इससे आप टाइम सेट कर सकते हैं। टाइम जब आप सेट करोगे तो वो आपको यहाँ दिखेगा। ये है पॉज बटन, अगर हम कोई डिश बना रहे हैं और उसे हमें वहीं रोकना है तो हम इस पॉज बटन का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ इंडक्शन को ऑन और ऑफ करने का बटन दिया हुआ है। और यहाँ आपको प्रेशर कुकर, कढ़ी, डोसा, चपाती, इडली ऐसे बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं। और ये पावर सेवर टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप इस प्रेस्टीज के इंडक्शन पर कुछ बनाओगे तो यहाँ इस जगह पर सिर्फ गर्म होगा और इसके साइड में जो ये जगह है यहाँ पे ये गर्म नहीं होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ इंडक्शन पर भी ये लिखा हुआ है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ इस इंडक्शन पर कौन से बर्तन चलेंगे। यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है जिसका नीचे का हिस्सा थोड़ा सा राउंड है। इसे मैं इंडक्शन पर रखकर आपको इंडक्शन चालू करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ इंडक्शन को चालू कर दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे E0 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है ये वाला बर्तन इस पर काम नहीं करेगा। अभी मैं आपको इसके ऊपर एक कढ़ाई रखकर बताती हूँ जो कि नॉनस्टिक की है और नीचे से फ्लैट भी है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे E0 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये भी कढ़ाई इस पर नहीं चलेगी क्योंकि इस कढ़ाई का नीचे का हिस्सा इंडक्शन बॉटम नहीं है। इंडक्शन पर यूज़ करने के बर्तन अलग होते हैं और उनका नीचे का हिस्सा इंडक्शन बॉटम होता है। इंडक्शन बॉटम के बर्तन के अलावा कुछ स्टील के बर्तन जिसका नीचे का हिस्सा फ्लैट होता है वो इस इंडक्शन पर चल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये स्टील का बर्तन लिया है, इसका नीचे का हिस्सा फ्लैट है। तो इसे मैं इंडक्शन पर रखकर इंडक्शन को चालू करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये वाला बर्तन इस पर काम करेगा। इसी बर्तन में मैं अभी आपको दूध गर्म करके दिखाती हूँ।
उसके लिए मैं यहाँ पे इंडक्शन को ऑन कर ले रही हूँ। इंडक्शन को हम जब ऑन करेंगे तो उसके ऊपर रेड लाइट जलेगी। यहाँ पे जो हीट मिल्क का बटन है उसे मैं दबा रही हूँ। जैसे ही हीट मिल्क के बटन को हम दबाएंगे तो यहाँ पे टाइमर लिखा हुआ आ जाएगा और पावर अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा। इन पावर को आप चाहे तो प्लस या माइनस बटन दबाकर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हीट मिल्क के बटन को दबाने के बाद यहाँ 15 मिनट का टाइम आ गया है। इस टाइमर बटन को दबाने के बाद यहाँ पे 30 मिनट लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हो। तो इसी तरह आप टाइम को कम या ज़्यादा कर सकते हो। दूध जब उफलने लगे तो पॉज बटन दबाकर हम दूध को उफलने से रोक सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ कोने में पॉज बटन है, मैं उसे दबा रही हूँ। तो यहाँ दूध गर्म हो गया है। तो इस तरह से आप इंडक्शन पर दूध को गर्म कर सकते हैं। दूध जब गर्म हो जाए फिर ऑफ का बटन दबाकर इस इंडक्शन को बंद कर दें। तो ये था आज के प्रेस्टीज इंडक्शन का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।